गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फेशियल। जी हाँ, DIY फेशियल। दिवाली आने वाले हैं तो दिवाली लाइक ग्लो भी तो चाहिए स्किन पे, तो इसके लिए आप क्यों ज्यादा पैसे खर्चे करें जब DIY से काम हो सकता है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही एक DIY फेशियल लेके आई हूँ, कॉफी फेशियल। जी हाँ, कॉफी आपको पता ही है स्किन ब्राइटनअप के लिए कितना अच्छा होता है, स्किन को रेडियंट प्रोवाइड करता है। तो अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कॉफी फेशियल। फेशियल के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आपके साथ करके दिखाऊंगी आपको कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है इसको। तो प्लीज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए मैं कैसे यूज करती हूँ और कैसे इसको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजर। तो क्लींजर बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे गुडवाइफ का ऑरेंज जेल, क्योंकि मुझे एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। अगर आपको सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिट देता है, बहुत अच्छा होता है वो। क्योंकि मुझे सूट नहीं करता इसीलिए मैं ऑरेंज जेल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ चम्मच, मतलब आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे जेल लिया है। मैंने हाफ चम्मच यहाँ पे कॉफी लिया है, इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, ऐसी ही होगी। तो हमारा क्लींजर रेडी हो गया है, तो हम इसको अभी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है क्लींजिंग। जी हाँ, फेशियल का सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। तो क्लींजर को कैसे बनाना है आप लोगों ने देख ही लिया है, तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने पूरे बालों को टाई कर लिया है हमने, तो अब इसको हम यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हैंड पे लेके और आपको मसाज करना है 2 से 3 मिनट के लिए, मसाज करके उसके बाद वॉश कर देना है। तो फेशियल करने से पहले बहुत जरूरी है क्लींजिंग करना। तो क्लींजिंग करने से आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। आप अपने फेस के साथ अपने लिप्स को भी क्लीन कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। सो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। क्लींजर यूज करने के बाद ही देख सकते हैं आप मेरा स्किन कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा पैड ड्राई कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। तो स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच कॉफी ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शुगर लिया है, जो आपके स्क्रब करने में हेल्प करेगा, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। एंड नेक्स्ट मैं इसमें मिक्स करूंगी ऑयल। जी हाँ, यहाँ पे मैं गुडवाइफ का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। एक चम्मच से थोड़ा सा कम, मतलब हाफ चम्मच जैसा हम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा स्क्रब देख सकते हैं आप रेडी हो चुका है, तो अब हम स्क्रब करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग करना। तो स्क्रबिंग बहुत जरूरी होता है। आप हफ्ते में भी दो, अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार जरूर स्क्रब कीजिए, जितनी भी आपके डेड स्किन की लेयर है वो निकल जाएगी। अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते हैं तो आपके जो ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वो कभी होंगे ही नहीं, कभी रहेंगे नहीं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं स्क्रबिंग। तो स्क्रब कैसे बनाना है आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब करना है और वॉश कर देना है। तो हमने इसमें मिक्स किया है कॉफी, जो आपके स्किन पे जितने भी डेड स्किन है वो रिमूव करेगा, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, ऑयल आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, और चीनी जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। तो मैंने स्क्रबिंग कर लिया है, देख सकते हैं अलग सा ही एक शाइन है स्किन पे। तो इसको थोड़ा सा पैड ड्राई कर। नेक्स्ट स्टेप है मसाजिंग क्रीम। जी हाँ, 3rd स्टेप मसाजिंग क्रीम है। तो यहाँ पे मसाजिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच कॉफी लिया है, मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मिल्क लिया है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा हनी। मैंने यहाँ पे डाबर का हनी यूज किया है, आप चाहे तो कोई सा भी हनी यूज कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा यूज करेंगे हम, बस इतना ही, 1/2 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे हनी ले लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होगी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे हम मसाजिंग क्रीम। आप लोगों ने देख लिया है मसाजिंग क्रीम को कैसे बनाना है। मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है।
मसाजिंग क्रीम में हमने यूज़ किया है कॉफ़ी, जो आपके स्किन को रेडियंट प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे लाइटन अप करेगा आपकी स्किन को। हनी जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देगा। और मिल्क जो आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, ग्लो मिल्क आपको नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करता है। आप जब भी मसाजिंग क्रीम को यूज़ करें, आप अपनी स्किन को ऊपर की तरफ मसाज करें, जो जिससे आपके फेस को टाइटन अप करेगा। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, मुझे मेरा स्किन पर्सनली बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। आपको ये फील होगा आपके नोज़ के पास, आपके चीक पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यूज़ करते हैं लास्ट एंड फोर्थ स्टेप फेस पैक। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है फेस पैक। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच कॉफ़ी ले लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक से दो चम्मच के करीब मैंने बेसन मिक्स कर लिया है। बेसन बहुत अच्छा वाला इंग्रेडिएंट्स होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन क्लीनिंग के लिए, आपका स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। ऑयली स्किन वाले के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो हम मिक्स करेंगे उसमें वो है कर्ड। जी हाँ, यहाँ पे मैंने दो चम्मच कर्ड मिक्स किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा भी पानी मत मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये मिक्स ना हो तो थोड़ा सा जो मिल्क होता है रॉ मिल्क उसको मिक्स कर दीजिए इसमें, बेनिफिट ही देगा ये, क्योंकि मिल्क स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो फेस पैक को आप लोगों ने देख लिया कैसे बनाना है इसको, तो चलिए इसको हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक ये प्रॉपरली ड्राई ना हो जाए। जब आपको ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब इसको आप नॉर्मल वाटर के साथ। फेस पैक को बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कॉफ़ी, जो आपके स्किन को लाइटन अप करेगा, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। बेसन जो आपके स्किन पे क्लिंजिंग का काम करता है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेसन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। दही जो आपके स्किन को नरिश प्रोवाइड करता है, मिल्क जो आपके स्किन पे ग्लो शाइन सब प्रोवाइड करता है। मिल्क और दही बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है स्किन के लिए। जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने हैंड्स पे यूज़ कर लिया है, आप चाहे तो पूरे बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं इस फेस पैक को। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फेस पैक है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके आती हूँ। मैंने नॉर्मल वाटर से इसको रिमूव कर दिया है, तो हल्का सा पैड ड्राई कर ले। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस जो है कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, एक नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड हो गया है। अब इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर लीजिए, आप टोनर अप्लाई कर लीजिए, आप जो स्किन केयर में अप्लाई करते हैं रात को आप अप्लाई कर लीजिए। दिवाली से एक दिन पहले आप इसको यूज़ कीजिए, आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, नेचुरली ग्लो प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, चिल देन, बाय गाइस।